हाय फ्रेंड्स, मैं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं MBS मुक्की। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ईमेल आईडी के इम्पॉर्टेंस के बारे में कि आप ईमेल आईडी की क्या इम्पॉर्टेंस होती है मोबाइल्स में। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि ईमेल आईडी क्या होती है और इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ईमेल आईडी हमारी जो है, इससे हम किसी दूसरे का ईमेल आईडी लेकर हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। उनका हम फोटो देख सकते हैं, उनमें वो कितना नंबर सेव कर रखे हैं उसका हम वो देख सकते हैं, उनकी सारी मोबाइल की जितनी मोबाइल में कुछ भी है उनके, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं उनकी। लेकिन उनकी हम एक बार मोबाइल लेंगे और ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों पता होना चाहिए तो हम उनकी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि जैसे हम अपने फ्रेंड का एक ईमेल आईडी ले लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट करके और बताए हैं कि हम आप पर वीडियो बना रहे हैं, और तो हम आपको दिखा रहे हैं उनकी ईमेल आईडी के बारे में। जैसे ईमेल आईडी हम उनका लिए और पासवर्ड भी लिए हमारे पास है। अब इन ईमेल आईडी और पासवर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो को देखिए, और जो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ईमेल आईडी के बारे में, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें पता हो जाएं और दूसरों की हेल्प आप भी कर सकें। तो हम उनका ईमेल आईडी ओपन कर लिया। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर डाटा पर्सनलाइजेशन में। ये कोई भी कर सकता है, कहीं भी से कर सकता है, मोबाइल से भी कर सकता है, किसी भी चीज़ से ये एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हमने उनकी डाटा पर्सनलाइजेशन में हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पर हम उनके साथ कर सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये थिंग्स यू क्रिएट एंड डू, आप लोगों को पता होगा कि जब हम मोबाइल में अपनी ईमेल आईडी करते हैं उसके बाद में फिर जितनी भी फ़ोटो हम क्लिक करते हैं या उसमें रखते हैं, वो सारी फ़ोटो डायरेक्ट गूगल की स्टोरेज में चली जाती हैं, यदि आप सेटिंग ना कर रखे हों तो। यदि आप सेटिंग कर रखते हैं तो फिर नहीं जाती हैं, और सेटिंग नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया होता है उन लोगों का सारा फ़ोटो या मोबाइल नंबर या सारी चीज़ें उसमें गूगल अकाउंट में चली जाती हैं, तो उनको दूसरे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास आपका ईमेल आईडी है। जैसे कि उन्होंने, मेरा एक फ्रेंड है, ये फ्रेंड क्या फ़ोटो है, जैसे हम यहाँ पर इनका फ़ोटो देख सकते हैं कि उन्होंने कितना फ़ोटो इनकी मोबाइल में होगा। तो हम दिखा रहे हैं आपको कि इनकी मोबाइल में क्या क्या कितना फ़ोटो है। जैसे इन्होंने 12 फ़ोटो यहाँ पर, सारी फ़ोटो जो देखनी जैसी नहीं थी वो सारी फ़ोटो इन्होंने डिलीट कर दी है, बस थोड़ा फ़ोटो रखा है हमारे लिए कि आप इस पर वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद में फिर आप हम फ़ोटो बाद में डिलीट कर फिर यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो हम दिखाते हैं, जैसे इन्होंने इनके मोबाइल में अभी स्टोरेज में सिर्फ 12 फ़ोटो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 12 फ़ोटो, जितने भी इनके फ़ोटो हैं ये सारी फ़ोटो आप देख सकते हैं आराम से। फिर हम आपको दूसरी चीज़ें भी दिखा रहे हैं इसके बाद में। ये ठीक है, आपने फोटो इनका देख लिया। अब उसके बाद में हम आपको दिखा रहे हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर हटाएंगे और फिर देखिए, फोटो आप देखा, अब उसके बाद में आप इनका घर देख सकते हैं, एड्रेस जो है लोवा टपरा टनवापुर हाँ बेवसर रोड गोंडा, यहाँ इनका एड्रेस आपने देख लिया। उसके बाद में आप क्या क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, बता रहे हैं ईमेल आईडी पर इनके जितने मैसेज आए होंगे वो तो आप देख ही सकते हैं ईजिली, कि फ़ोटो भी देख सकते हैं। और उसके बाद में आप इनका क्रोम आईडी से, क्रोम पर जितने इन्होंने सर्च कर रखा होगा, जितने आज तक सर्च किए होंगे, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, ये यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनकी आप एक्सेस कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं क्या क्या अपने मोबाइल में ये कर रहे हैं। और उसके बाद में आप इनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मोबाइल नंबर जो होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी का मोबाइल नंबर ज़्यादा, जैसे हम किसी फ्रेंड का अपने मोबाइल नंबर रखे हैं तो दूसरों के पास ना जाए, लेकिन इसमें आप ईमेल आईडी से आप मोबाइल नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने इनकी मोबाइल में 127 जो है वो नंबर्स ऐड हैं, वो 127 नंबर आपको ये देख पा रहे हैं, 127 नंबर यहाँ पर ओपन होकर आ गया है ईजिली।
उसके बाद में मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। अब इतनी सारी एक्टिविटी ईमेल आईडी से कर सकते हैं, अभी इतना ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं अभी दिखा रहे हैं हम क्या क्या कर सकते हैं आप उनकी मोबाइल अपनी मोबाइल से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बहुत से लोगों लोग होते हैं जो वो चलाते हैं अपना गूगल पे अकाउंटिंग करते हैं ईमेल आईडी से, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कि दूसरी ईमेल को सेव रखना। जैसे हम अपना गूगल पे से नहीं ईमेल कर रहे हैं, गूगल पे से नहीं, जो गूगल पे में ईमेल ऐड करना ज़रूरी होता है, ईमेल से ईमेल हमारे पास है तो हम फिर उन ईमेल से हम अपने गूगल में यहाँ पर गूगल पे में लॉगिन करके और फिर हम उनकी उनके बैलेंस के बारे में जान सकते हैं या और छेड़खानी उनकी बैलेंस के बारे में अकाउंट में हम छेड़खानी काफ़ी कर सकते हैं। देन हम आपको बता रहे हैं कि वो क्या क्या इसमें कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर में है, कैलेंडर में आपकी छेड़खानी कर सकते हैं, क्रोम में छेड़खानी कर सकते हैं, यानी जितना भी आपके मोबाइल में जीमेल से कनेक्ट है वो सारी चीज़ें सेव नहीं है, यानी सारी चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं या उसमें कोई और छेड़खानियाँ की जा सकती हैं ईमेल आईडी से। या आपको हम दिखा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको दिखाए ही हैं, डाटा शेयर आपने क्या क्या सर्च रिसर्च किया है, जो मोबाइल में क्या क्या सर्च करते हैं हर व्यक्ति के सर्च, जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है तो हम उनका ईमेल आईडी लेकर पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, वो क्या क्या सर्च कर रहा है, क्या क्या अपनी मोबाइल पर देख रहा है, कैसा है, उसकी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे दिखा रहे हैं आपको ये गूगल बिजनेस फ़ोटो तो हम आपको दिखाए ही हैं, और उसके बाद में फिर प्ले स्टोर पर क्या कर रहा है, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, यानी आप लोग देख पा रहे हैं सारी चीज़ें देख सकते हैं बहुत, और लगभग ये मैप वगैरह तक हम देख सकते हैं कि वो क्या कहां पर है और क्या कर रहा है, कैसा चीज़ कर रहा है। यानी गूगल ईमेल आईडी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब पर हम कुछ छेड़खानियाँ उनकी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं हम ये गूगल पर इन्होंने, हाँ ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं यहाँ से। एक्टिविटीज कंट्रोल, वेब्स, यूट्यूब हिस्ट्री देख सकते हैं, लोकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं, अदर चीज़ वो, फिर यूट्यूब चैनल आपका है तो उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। देन आपका यूट्यूब सर्वे आंसर्स, कमेंट यूट्यूब में गलत कर सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ गलत सही कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखा रहे हैं लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये आपकी ईमेल आईडी से। ये कॉल, आप कुछ कॉल कर रहे हैं कहीं पर तो उस पर वो कॉल तक देख सकते हैं, जैसे वो आपने वीडियो कॉल वगैरह की है कहीं पर तो किससे बात की है, कहाँ की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग बहुत ही सेफ रहिए, ईमेल आईडी आप यानी मोबाइल किसी को अपने हाथ में ना दीजिए, अपने हाथ से मोबाइल किसी को ना दीजिए, और अपनी ईमेल आईडी की जो पासवर्ड है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सही बनाइए, बहुत इजीना बनाइए ताकि आप बचा सकें। उसके बाद में स्टेप वेरिफिकेशन भी लगाइए, बहुत सारी यहाँ पर सिक्योरिटियाँ भी दी हुई हैं गूगल में, यदि आप बताएंगे तो हम जीमेल पर जितनी भी सिक्योरिटी हैं प्रिवेंट करने का, अपने गूगल को प्रिवेंट करने का या ईमेल आईडी को प्रिवेंट करने के लिए, वो सारी हम सिक्योरिटियाँ भी बता देंगे और कैसे आप सिक्योर कर रख सकते हैं अपनी ईमेल आईडी को। तो आपको पता चल गया होगा आज की इस वीडियो में कि ईमेल आईडी कैसे एक्सेस की जाती है, कैसे क्या होता है, ईमेल आईडी कितनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारी चीज़ें आपको पता है कि सारी चीज़ें ईमेल से नहीं, मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में सारी चीज़ें ईमेल हमारी ईमेल से हमारी ऐड हैं, जो ईमेल से ऐड हैं तो इसका मतलब वो ईमेल जो एक्सेस करेगा, ईमेल आपका लेगा, वो सारी चीज़ें कर सकता है आपके साथ। तो आप लोग इससे बचने के लिए अपनी सिक्योरिटी गूगल ईमेल, जो ईमेल पर आप सिक्योरिटी लगाते हैं उस सिक्योरिटी पर आप ध्यान दीजिए और अपनी सिक्योरिटी ईमेल पर, ये आपको दिखा रहे हैं ये सिक्योरिटी हैं, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटियाँ दी हुई हैं। अब इन सारी सिक्योरिटी के बारे में हम बता देंगे आपको, यदि आप कमेंट करेंगे नीचे बॉक्स में तो हम बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपने ईमेल आईडी को सिक्योर करना है। तो
हमें हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करें, ताकि वो अपनी भी ईमेल आईडी प्रिवेंट कर सकें और किसी को मोबाइल या किसी को ना दें, ईमेल का उनको महत्व समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।